बैंक में काम है इसलिए मैं बैंक में जा रही हूँ। बैंक निकल रहा है मुझसे, तो चलिए जाके आ जाती हूँ। एंड अगर होगा तो अभिषेक को भी लेके जाओगे? एक्चुअली तो वो वैन में आ जाएगा, लेकिन स्कूल भी बैंक से नज़दीक ही है, अगर पहले हो जाता है तो लेके आ जाऊँगी। अच्छा हाँ, तो कार में बैठी हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे दीवार को देखा तो मुझे क्या याद आया है कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया ही नहीं कि जो कार पे जो कचरा डाल रहा था वो कौन था एंड ऑल, और क्या हुआ उसका। तो मैं जब भी बताने जा रही होती थी फिर कुछ और इंसिडेंट हो जाता और मैं भूल जाती थी, तो मुझे किसी पे डाउट था। लेकिन हुआ ये, उस वीडियो के बाद में जो भी गंद जो भी फैला रहा था उसके बाद बिल्कुल हुआ ही नहीं। तो जिसको जो संदेश मिलना था वो मिल गया और मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ा। एंड सीसी कैमरा बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन सीसी कैमरा इस वाले एरिया में जहाँ पे मैं रखती हूँ ना वहाँ पे नहीं लगा है, बाकी जगह पे लगा है। तो इसलिए वो पकड़ने में जो है दिक्कत हुई, अमन दिक्कत मतलब उसको पकड़ नहीं पाए। एंड ऑल दो जो भी मैसेज था वो पहुँच गया, तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। चलिए अभी चलते हैं। अभी शाम हो चुकी है, मैं स्विमिंग जाके भी आ चुकी हूँ। एंड आदित्य जो है आने के बाद तुरंत उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, वैसे तो मुझे भी चाहिए होता है। तो ये जो दही का वो जो डब्बा दिख रहा है ना उसमें थोड़ी सी दही बची थी, घर वाली दही ख़त्म हो गई थी, तो इस डब्बे वाली मैंने बाहर से परचेज़ करी थी। एंड सैंडविच उसने मांगा था, उसको सैंडविच इतना पसंद है उसको तीनों टाइम बोल दो तो भी वो आराम से खा लेगा, लेकिन एनीथिंग एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। बट ही वाज लाइक कि आज यही खाना है, क्योंकि ब्रेड भी था, मम्मी लोग लेके आए थे ये ब्रेड, तो ओपन भी नहीं किया था, तो मैंने बोला चलो बना देते हैं। तो दही में मैंने टमाटर प्याज वो सब डाल दिया है, मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करी थी ना वही है। एंड उसके बाद मैंने भी थोड़ा खा लिया था, तो यहाँ पे जो है सैंडविच ऑलमोस्ट बन गया है। एंड ये वाला मेरे पास कटर है जिससे ये इसके पीसेस करने हो तो आराम से हो जाता है, क्योंकि पूरा पकड़ के खाना है तो वो टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अगर इस कटर से काटते तो अच्छी तरह कट जाता है। एंड क्रिस्पी होता है तो बहुत सॉफ्टली अच्छी तरह कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है आदित्य को भी खाने के लिए दे दिया था, एंड हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, मैं बोल रही थी खा के चले जाओ, पर ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं टाइम हो गया बॉक्स में रख दो। तो मैंने उनके लिए बॉक्स में रख दिया सैंडविच, दो पीस रखे थे खाली। एंड उसके बाद एक और मैं सोचा मैं भी खा लेती हूँ, आजकल मेरे को बिल्कुल भी राइस खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं बस ऐसी कभी सैंडविच खा के टाइम पास कर रही हूँ, कभी कुछ खा के टाइम पास कर रही हूँ, मतलब मेरे को चावल खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और उसके बाद सैंडविच बन गया, फिर जूस भी मैंने एक ये मौसम्बी का जूस, एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो बच्चों के लिए ससुर जी के लिए सबके लिए मैं बना रही थी। ये जूस जितना अच्छा है ना उसको निकालते निकालते अपना जूस निकल जाता है, क्योंकि बहुत दम लगाना पड़ता है कोई भी इक्विपमेंट हो उसका, क्योंकि मिक्सी में डालने से उसके बीज भी मिक्स हो जाते हैं तो वो कड़वा हो जाता है, इसलिए ऐसी वाली मशीन में डाल के निकालना पड़ता है। ये तो फिर भी ईजी है, जो एक राउंड सा होता है जिसपे हाथ गोल गोल घुमाना होता है वो तो और भी डिफ़िकल्ट होता है, बट ये थोड़ा ईजी है। ओनली स्टार्टिंग में जो है इसको नीचे आप बेसमेंट देखें ना वहाँ पर पानी डाल के इसको बटन को एक लेफ़्ट टू राइट करना पड़ता है, तो वो लॉक हो जाता है एंड फिर हिलता नहीं है, तो वो प्रॉपरली कभी कभी लॉक नहीं हो पाता है, ज़्यादा पानी होने से खिसक जाता है, तो प्रॉपरली लॉक करना पड़ता है। और उसके बाद हो जाए तो आप आराम से जो है बस निकाल के डालो, मौसम्बी को छीलना वो सब थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। एंड
बाद में ये पूरे मिशन पूरा का पूरा सारे के सारे पार्ट्स जो है आराम से खुल जाते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं। अगर ये बंद होता तो कभी कभी आलस आ जाता है ना, खोल के क्या क्लीन करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जूस भी पी लिया। हाय एवरीवन, तो अभी हम सब लोग जो है डिनर के लिए जा रहे हैं। हम सब लोग मतलब ससुर जी भी साथ में हैं हमारे, और ऐसे ही मतलब मूड बन गया, चलो वैसे घर में भी खाना रेडी था सो फाइनली हमने सोचा फिर चल लेते हैं बाहर। बहुत दिनों के बाद में आए हैं ससुर जी, चलो एक बार बाहर जाके आते करके हम लोग रेडी हो गए। एंड अभिषेक तो सो गया था, वो पूरे दिन उसको कितनी भी फोर्स करके सुलाओ ना सोता नहीं है। फाइनली वो सो गया, उसको सोते सोते जो घर के कपड़े थे उसी में मैंने बिठा दिया। अभी कार में बैठने के बाद जो है इसको कपड़े पहनाए एंड आदित्य यहाँ पे रेडी होके बैठा है। अरे भाई शुभ तो आदित्य है ना, हाथ में ना थोड़ी स्किन सी कभी कभी निकलती है ना, जैसे कुछ पपड़ी पपड़ी सी निकल जाती है कभी अपने, कभी कभी हमारे साथ में भी होता है, तो वैसे उसके हाथ में निकल रही है। तो मैम नॉर्मल ही है, कभी कभी ऐसे होता है। तो बोलता है मम्मी कहीं मैं बुढ़ा तो नहीं हो रहा हूँ करके बोल रहा है। इट्स नॉट विजिबल, यू हैव टू शो। थोड़ा थोड़ा विजिबल है, देखो उसको रिंग फिंगर में दिख रहा है, मतलब एक एक फिंगर थोड़ा थोड़ा सा है। तो कभी कभी होता है ना ऐसे, हमारे इसके लिए पानी के चेंज की वजह से होता है कि पता नहीं क्यों होता है, होता है कुछ कटौती हो गई होगी कोई प्रोटीन विटामिन की, इसलिए बोल रहा है मैं बुढ़ा तो नहीं हो रहा करके। I'm not comfortable. So let's go back home. How will you eat then? Don't pull out the skin. So, उसको वापस भी नहीं जाना है, बट एक्साइटमेंट में वो जो है ऐसी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्रेस करता रहता है। एंड जब मैं हंसूँ या मेरे हस्बैंड हंसे तो इन दोनों को ऐवें ही हंसी आ जाती है। अभिषेक in school my voice something was changed and come roughly. Okay, are you drinking water in the school? I mean school water. No. You're drinking water from your bottle or school tap water? My bottle. Then why your water bottle is not getting empty? The way I'm giving you, you know. I'm drinking only lunch break when I'm thirsty. Try to finish off the complete bottle. Okay. Okay. Then you will not have these problems. Skin ostun gada laga. You'll not have that problem. You need to consume more of water. Okay. तो मैं जैसे उसको पानी की बोतल देती हूँ फुल की फुल ही रहती है, पता नहीं पीता क्यों नहीं है ये पानी, कि स्कूल में तो नहीं पी रहा है, दो दिन पहले थोड़ा सा खास रहा था। तो पानी चेंज होता है तो बच्चों को सबसे पहले पानी, अगर किसी को भी पानी का चेंज आते ही जो है हेल्थ में जो है डोल मटोल होता रहता है। सो चलिए अभी हम चलते हैं एंड आज क्या ऑर्डर करते हैं। इसको देखो इसने क्या किया मालूम है, इसने ज़बरदस्ती रो रो के कूल ड्रिंक खरीदवाई, जो काफ़ी टाइम से हमने नहीं लिया वो खरीदवाई इसने। कब, जब मम्मी पापा लोग आ रहे थे एंड उससे पहले जब हमारे गेस्ट लोग आ रहे थे ना, जो वाइजाग से आए थे मैंने बोला था, तब उस टाइम पे मैं थोड़े कुछ बाहर से स्नैक्स भी लेके आई थी एंड कोल्ड ड्रिंक बॉटल भी लेके आई थी। तो इसने जो है बिना बताए जो है फ्रिज से निकाल के पी भी ली इसने, और बाद में बोल रहा है कि मैंने पी ली करके। और जब उसने ये पिया तब से इसको जो है थोड़ी थोड़ी खांसी लग रही है, मैं दवाई ववाई डाल रही हूँ लेकिन अब जल्दी तो इतनी ठीक नहीं होती है, जुकाम खांसी उसका, जुकाम भी हुआ है शुरू, तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है क्योंकि मैं जो सिरप आता है ना चेस्ट एंड कोल्ड वाला वो डाल रही हूँ। तो जब तक उसका कंप्लीट बॉटल ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक उसका चलने ही वाला है। एंड अभी हम मिनर्वा ग्रैंड में, मिनर्वा ग्रैंड है ना ना मेले दे, सो अभी हम मिनर्वा ग्रैंड में ही जा रहे हैं क्योंकि खाना बहुत टेस्टी बन रहा है। ये दी पेरेंटी ఏదో కొత్తది ఓపెన్ అయింది నాన్న, ఏదో కొత్తది ఓపెన్ అయింది అది, అదేనా అంటున్నారా? సో ఫర్ చేంజ్ అవి మినర్వా గ్రాండ్ నీ జా రే, ఇంకో సడన్లీ ఏక దూసరే రెస్టారెంట్ కుచ్ యాద్ ఆయా, మతలబ్ రెస్టారెంట్ జిస్ జగహ్ పే వో యాద్ ఆయా లేకిన్ రెస్టారెంట్ కా నామ్ యాద్ నీ ఆయా, ఇన్కే ఫ్రెండ్స్ నే కిసీ నే బోలా థా కి యహాన్ పే ఏక నయా ఖులా షాయద్ వో कि नया है कि नहीं पता नहीं, जाने के बाद पता लगा, मैं तो कहीं कभी गई नहीं हूँ यहाँ पे। मैं मैक्सिमम नोवोटल में गए हैं हम लोग, उसके बाद डीवी मिनर में जाते रहते हैं, मिनरवा में भी जाते रहते हैं, ये तीन में गए क्योंकि इन तीनों में ही खाना
अच्छा मिलता है। नोवेटल में भी इतना कुछ खास नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन मिनर्वा एंड डेल्यू मिनर का तो काफ़ी अच्छा था। अभी आज जरा, और हाँ वो एक और में हम 7 days में गए थे, वहाँ पे भी अच्छा था, लेकिन अच्छा अच्छा होते होते फिर थोड़ा बुरा भी हो गया। अभी नेक्स्ट जगह चेकआउट करते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो चलिए नई जगह दिखाते हैं आज आपको। एंड बाहर से उस रेस्टोरेंट की शक्ल देखी, जिसने भी फ्रेंड ने इनको सजेस्ट किया था, मेरे पास बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। वो एक जैसे मतलब एक बड़ा सा रूम में, जैसे हम लोग हाईवे पे जब जाते हैं तो साइड में होटल लगे नहीं रहते, उस टाइप का है। एंड ओनली लगता है उस पर बिरयानी मिलने वाली है, बिरयानी का फोटो लगा रखा है। मैं वो ये कोई होटल हुआ क्या, वो ये तो ढाबा लग रहा है। वो नहीं रहने दो, चलो मिनर भाई चलते हैं करके ससुर जी को लेके आए हैं और ऐसी जगह पर खिलाएंगे क्या अभी, और हमने भी नहीं खाना था। नहीं 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 करके हम लोग अभी फिर वापस निकल रहे हैं, बहुत दूर भी चले गए थे। सो ये डिगेड्रेस मॉल है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैश मॉब्स के डांस भी चलते रहते हैं। मॉल्स में ज़्यादातर होता रहता है ना, बड़ा मज़ा आता है देखने में है तो, पर मैंने कभी लाइव देखा ही नहीं। मैं सोचती हूँ कभी ना कभी ऐसा मौका पड़े देखें, लेकिन मिलता नहीं है देखने को, बाद में नेट में ही देखने को मिलता है यहाँ का भी। एंड जिस होटल में हम जा रहे हैं, जैसे मैंने बोला मिनर्वा ग्रैंड ब्लू फॉक्स है, वो एक पीवीपी मॉल है। एंड जो एड्रेस मॉल दिखाया है उसके ऑपोजिट में ही रहता है। खाना बड़ा टेस्टी मिल रहा है आजकल, कभी कभी क्वालिटी अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर अच्छा ही रहता है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं एंड आदित्य ने आज ये मेरी बेइज्जती कराई, इतनी बड़ी बेइज्जती कराई, क्या बताऊँ मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं एंड अभिषेक पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाता है, उसी को नहीं मालूम। मैंने उसको उठाया था, मैं ज़्यादा देर, अभी बड़े हो रहे हैं तो इतनी ज़्यादा देर उठा नहीं पाते ना, तो उसको उतार दिया तो वो गुस्सा हो गया तो इसलिए मुँह ऐसा छोटा सा बना के रख लिया था, फिर बाद में फिर फ्री हो जाता है। छोटे बच्चे क्या अपना गुस्सा जो है ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते, बड़ों को भी ऐसे ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद हमने खाना ऑर्डर किया एंड आदित्य को यहाँ का फूड इतना पसंद है कि वो भरपेट इतना खाता है कि उसको ज़्यादा भी हो जाता है ना, फिर भी थोड़ा और अपने पेट में डाल ही लेता है। एंड उसने खा लिया और खाने के बाद जो है, हमने पिछली बार जो ऑर्डर किया था वही ऑर्डर किया क्योंकि बहुत टेस्टी था। जिंजर चिकन, देन बटर नान, मिक्स्ड नॉनवेज फ्राइड राइस, मतलब उसमें सारे चिकन मटन प्रॉन्स वो सब रहता है। एंड दिस इज़ जिंजर चिकन, ये भी बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा मीठा मीठा सा रहता है एंड बटर नान के साथ काफ़ी अच्छा था। सो यहाँ पे हुआ क्या, उसने खाया आदित्य ने एंड उसने इतनी जोर से डकार मारी जैसे बड़े लोग मारते हैं। उसको कितनी बार बोला भैया तू ओवर एक्साइटेड होके ऐसे मत किया करो, लेकिन वो सोचता है कि वो बड़े अच्छे काम कर रहा है ऐसे, इसलिए उल्टे काम भी बड़े शान से करता रहता है। तो इसने इतनी ज़्यादा बड़ी डकार मारी एंड जो साइड टेबल में आपको दिख रहे हैं ना, वो सब मुड़ के मुझे देखने लगे क्योंकि ये तो अपने आराम से खा रहे थे तो मैं उनको देख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं डकार मार रही हूँ। तो आई फेल्ट वेरी एम्बेरसिंग। तो बच्चे इतनी बेइज्जती कराते हैं ना कभी कभी कि क्या बताऊँ। तो हम खाना पीना सब खा के अभी वापस घर को निकल रहे हैं एंड थोड़ी सी सौंफ लास्ट में डालने से वो टेस्ट भी एक उच्च टेस्ट, क्या बोलते हैं, एक अलग सा टेस्ट होता है। सो वो बेइज्जती वाली बात तो मैंने हस्बैंड को बताया कि इसने ऐसा किया और आप तो अपना खाने में बिजी थे, वो सब लोग मुझे देख रहे थे कि जैसे मैंने डकार मारी हो। तो मेरे हस्बैंड ये हंस रहे हैं कि उनकी हंसी रुक ही नहीं रही है तो बोलना, वो बोल रहे थे तो तुमने नहीं देखना था ना, मैं वो कैसे नहीं देखते, वो ऐसे घूर घूर के देखे जा रहे थे क्या करे करके। सो अभी घर पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यहाँ पर एक मैजिक। सो कैसा लगा मैजिक, अच्छा था ना। तो दिस आर ऑल, क्या बोलते हैं, एडिटिंग ट्रिक्स। हम तो अभी बच्चे हैं,
मतलब पौधे हैं, पेड़ बनने में टाइम है बहुत। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिएगा। एंड मैंने जो भी इंसिडेंट बताया, मुझे तो खूब हंसी आई थी उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड को भी आई, आपको आई कि नहीं वो भी मुझे बताना। एंड वीडियो को शेयर कर लो यार फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही लो जो भी नए लोग हैं, ताकि बाकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको आते रहे। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।